नमस्ते, आई एम सरोज पटेल, आई एम सोशल एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ काशी वेलफेयर फाउंडेशन। जैसा कि अभी हमारे लॉकडाउन को 46 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और देश के हर जिम्मेदार नागरिक ने इस लॉकडाउन को सफल बनाने में सरकार की मदद की है और आगे भी देश का हर जिम्मेदार नागरिक इस लॉकडाउन को सफल बनाने में मदद करता रहेगा, लेकिन अभी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, जैसा कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है और शराब की दुकानें खोली गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी स्थिति आ रही है, जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, उस तरीके से लगता है कि कहीं 46 डेज का जो तपस्या लोगों ने की है वो कहीं करे के किराए पर पानी ना फिर जाए। वाकई में अभी हर इंसान ये उम्मीद में बैठा है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम अपने व्यापार पर जाएंगे, हम अपनी नौकरी पर जाएंगे और हमारी स्थिति सुधरेगी, हमारी घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारी ज़िंदगी वापस नॉर्मल होगी, आज नहीं तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हो वाकई में बहुत ज़्यादा डराने वाली है। लोगों को ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, जरा सा भी देश से प्रेम नहीं है, क्योंकि संक्रमण के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। अभी कौन से संक्रमण के केसेस रुक गए हैं? नहीं, अभी भी कल, अगर मैं कल की ही बात करती हूँ तो 3500 से अबव केसेस आए हैं 24 आवर्स के अंदर। कैन यू इमेजिन स्थिति क्या है? थोड़ा सा तो सेंसिटिव होकर हमें सोचना चाहिए। इन सब चीज़ों से देख के ये लगता है कि सरकार को यह फैसला अभी नहीं लेते तो बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि लोग तो समझने से रहे। अभी देश की आर्थिक स्थिति माना कि ख़राब है, लेकिन देश के हर इंसान की घर की आर्थिक स्थिति उससे भी ज़्यादा गंभीर है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, किराए के लिए पैसे नहीं है, EMIs के लिए पैसे नहीं हैं। जिस तरीके से बैंक ने बताया कि 3 महीने की EMI जो है वो अभी स्टॉप की गई है, लेकिन उसका ये नहीं बताया गया वो कब पे करनी है, किस तरह से पे करनी है, या उसका इंटरेस्ट लेवल क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं पता है। तो हम कैसे मान लें कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है? अगर 15 दिन अगर देश का हर नागरिक अगर एडजस्ट कर सकता है तो देश की अर्थव्यवस्था भी एडजस्ट कर सकती थी, इतना भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक और चीज़ कि अगर हम देखेंगे तो जो हमारे गांव की स्थितियाँ हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा गंभीर है। लोगों के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे किसानों के पास भी पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है गाँव की। एक तरफ उधर भी तो नज़र डालें। दूसरी चीज़ कि एक और बहुत बड़ा तबका है जो कि हमारा आगे का फ्यूचर है, भविष्य है, वो है हमारा युवा वर्ग। उन्होंने बहुत सारे सपनों के साथ में एक खूब अच्छे से उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, लोगों से लोन लेकर के, अपनी सारी सेविंग्स लगा करके, परिवार के साथ में लड़ाई करके, कैसे भी करके उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, तो आज वो कहाँ से पैसे लाएंगे? अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, बात करते हैं एकेडमी की, बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, बात करते हैं तो इंसान कहाँ से पैसा लाएगा? और अगर हम उस चीज़ों की बात करते हैं, एक हॉल भी अगर हम लेने जाएंगे तो 20,000 से कम नहीं आएगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही किराया होगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि यंगस्टर्स अभी खरीद नहीं सकता है, रेंट पर ही लिया होगा उन्होंने, तो 20,000 से लेकर के 1 लाख तक के लोन्स हो सकते हैं, लोगों पर किराया हो सकता है। वो कहाँ से लेकर आएगा? कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा? कहाँ से टैक्सेस देगा? क्या करेगा? कैसे खर्चा वो कर पाएगा? आप ही बताएं। वो तो बहुत यंग है अभी, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अभी देश को एकजुट होने की, हमें एक दूसरे की मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर सीनियर सिटीजन हो या फिर अगर कोई जो युवा वर्ग है, आज युवा वर्ग के बारे में हमें ज़रा सा सोचना होगा, उनका मोरल डाउन नहीं हो। अगर इंसान हो सके, अगर वो सक्षम हो तो उनका किराया माफ़ करे, उन्हें खुशी होगी, उनका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो हो सकता है कि वो आगे जाके वो रेंट भी अभी दे पाए। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश भी ना करें ये तो गलत है। अगर हम सक्षम हैं और अगर हम ये चीज़ करते हैं तो ये एक तरह से देश प्रेम ही है, क्योंकि अभी हर किसी भी इंसान की स्थिति सही नहीं है। और रही बात मैं अगर रेस्टोरेंट्स की बात करती हूँ तो रेस्टोरेंट्स अभी पता नहीं कितने दिनों तक अभी नहीं खुल पाएंगे अच्छे तरीके से। अगर खुल भी गए तो क्या लोग बहुत अच्छे तरीके से जा पाएंगे अभी? क्योंकि हर इंसान की अभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, लोग रेस्टोरेंट्स में अभी इतना जल्दी नहीं जा पाएंगे, तो आप उनका क्या?
अभी हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है। अभी ये चीज़ें सरकार को चाहिए, मेरी आवाज़ सरकार तक पता नहीं कैसे पहुँचेगी, कब पहुँचेगी या पहुँचेगी भी नहीं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मेरी आवाज़ सरकार तक अभी आई और अभी वायरल हो गई। इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन। आप बताएं कैसे हम लोग मिलकर ये काम करें, किस तरह से हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं सरकार तक, क्योंकि गेहूं मिल रहे हैं जिन लोगों को, वो गेहूं बेचकर शराब खरीद रहे हैं, पौवा खरीद रहे हैं वो लोग, और लड़ाइयां कर रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। इससे तो लगता है कि ये फैसला शायद गलत ही था। अभी हमें एक दूसरे की मदद करनी है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो देश का कोई भी इंसान जो मुसीबत में हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी, क्योंकि सरकार तक आवाज़ पहुंचने में तो बहुत वक्त लगेगा, और सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी उसकी क्या गारंटी, इलेक्ट्रिसिटी माफ़ करेगी नहीं करेगी उसकी क्या गारंटी, नहीं माफ़ करने वाली इलेक्ट्रिसिटी। सरकार कोई भी टैक्स अपना छोड़ रही है अभी? बिल्कुल भी नहीं, इवन टैक्स अभी बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं तो अभी जो तबका है जिसको सरकार अभी मदद कर रही है, वही लोग जो बहुत ज़्यादा टैक्स देने के, जो अभी शराब पर जो टैक्स बढ़ाई गई है वो भी टैक्स दे रहे हैं, उन्हें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गरीब कौन है? और जो वाकई में गरीब है आपको उस लाइन में नहीं नज़र आएगा, उनकी मदद करनी है। वो ये सोचता है कि चलो ये चीज़ें अभी मेरे घर में कुछ सामान आएगा, इंसान वाकई में अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करती हूँ तो अभी हमारा पुलिस है, पुलिस में मैंने कभी इतनी निराशा नहीं देखी है, इतनी विवशता उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी है, वो अब देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे डॉक्टर जो PPE किट में है, वो देखते ही लगता है कि वाकई में इसमें कितनी गर्मी होगी, और वो अनलिमिटेड आवर्स उसमें काम कर रहे हैं। आप सोचेंगे तो मैं सच में हम सहम जाएंगे उसको देख करके। किसके लिए वो काम कर रहे हैं? हमारे लिए, ताकि हम जल्द से जल्द सुरक्षित हो पाए, कोरोना हमारे देश से चला जाए। लेकिन जिस तरह से स्थितियां आ रही है वो वाकई में बहुत ज़्यादा डराने वाली है। हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, और इसी तरह से सपोर्ट करना है एक दूसरे का। थैंक यू सो मच।